हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में लड्डू खाना बहुत ही अच्छा रहता है, तो मैं आज ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि लड्डू को किस तरीके से मैं बनाती हूँ और जो कि कितने हेल्दी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गोंद फ्राई कर लेंगे। तो इसमें मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा घी लेना है, जिसी में हमारा जो गोंद है वो फ्राई हो जाएगा। और ये गोंद होता है और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, मतलब इसके तो बहुत सारे गुण होते हैं, जितने बताओ उतने कम हैं। तो हम इसको फ्राई कर लेंगे, मतलब ये फूल जाएगा, जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा वैसे ये फूलता हुआ जाएगा। वही देखिए, ये फूलने लग गया है, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये फूलता जाता है। और इसको अच्छे से फ्राई करना होता है, नहीं तो क्या होता है ना कि ये जब हम चबाते हैं तब ये गोंद अच्छे से हमसे चबता नहीं है, इसलिए ये फूलना ज़रूरी है अच्छे से। तो देखिए हमारा गोंद जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये जो है वो सूखा नारियल है, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और ये बादाम भी मैंने बारीक कट कर ली है। ये अखरोट है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। तो मैंने थोड़ी सी किशमिश और चारोली ले ली है। तो हमारे ड्राई फ्रूट जो हैं, जो भी मुझे लड्डू में डालना है, तो मैंने ये सारे पहले से तैयार कर लिए हैं। अगर आप इनके अलावा और भी कुछ डालना चाहते हैं इसमें तो वो डाल सकते हैं। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा घी लेना है कढ़ाई में, और उसमें हमको आटा लेना है, आटा जो रेगुलर आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो आटा लेना है। और उसको थोड़ा सा हमको घी में सेक लेना है, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक हमको इसको सेकना है। तो देखिए आटे का कलर चेंज हो चुका है और कितने अच्छे से ये सुनहरा गोल्डन कलर का हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, देखिए मैंने हाथ लगा लिया है, इतना ठंडा हो गया है। इसके अंदर हम जितने भी हमको ड्राई फ्रूट डालने हैं, सूखे मेवे डालने हैं, तो इसके अंदर हम अभी सब कुछ मिला देंगे यहाँ पर। तो पहले हम इनको मिला लेते हैं अच्छे से। तो इन सबको मैंने अच्छे से मिला लिया है, और अब इसके अंदर हमको चीनी मिलानी है। तो इस कटोरी से ही मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, और इसी कटोरी से मैं ये 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ। ये जो मार्केट में मिलती है पिसी हुई चीनी, वो है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप घर पर चीनी को पीस लीजिए और इसमें मिला लीजिए। और अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और वैसे भी मेवे जो होते हैं वो मीठे होते हैं, तो चीनी थोड़ी सी इसमें कम ही डालनी है हमको। तो मैं ये इसके अंदर अच्छे से मिला देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें ड्राई फ्रूट भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें आटा ज़्यादा कर दें और ड्राई फ्रूट कम कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम घी डालेंगे। तो घी में ये 3 बड़े चम्मच ले रही हूँ। अब इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि घी, शक्कर, आटा, मेवे सब कुछ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसका लड्डू कैसे बनाना है, थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए और इस तरीके से इसको एक हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से इसको घुमाते हुए जाना है, और उस पर थोड़ा सा इसको प्रेस करते जाना है, और देखिए ये लड्डू हमारा बनता जाएगा। और अगर आपका लड्डू अच्छे से नहीं बन रहा है और बिखर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें घी थोड़ा कम है, तो आप घी इसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा लड्डू जो है वो बनकर तैयार हो गया है। कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना दिखने में ही, और कितना टेम्पटिंग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना है ये, और बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू है। तो ये हमारे लड्डू बन चुके हैं और बहुत ही टेस्टी टेस्टी से लग रहे हैं। अब खा के पता चलेगा कैसे बने। तो ये आप सबके लिए। बहुत ही टेस्टी बना है, तो आप घर पे जरूर ट्राई करना। और मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताना।
और ट्राई करो तो मुझे कमेंट जरूर करना। तो आप इन लड्डुओं को स्टोर करके रख सकते हैं और पूरे एक महीने तक आप इन्हें खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, हेल्दी टेस्टी लड्डू, और जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।